बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डीपीएन टीवी से मैं हूँ अक्सासगर। आइए नज़र डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। पाकिस्तान 1947 में बना, लेकिन आज फिर से आज़ादी की जद्दोजहद शुरू हो रही है। इस्लामाबाद साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि अवाम ही मुल्क की खुदमुख्तारी और जमहूरियत का दिफा करती है। हकूमत के खात्मे के बाद समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने ट्वीट में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि पाकिस्तान 1947 में आज़ाद मुल्क बना, लेकिन आज फिर से आज़ादी की जद्दोजहद शुरू हो रही है। इमरान खान का कहना था कि हुकूमत की तब्दीली की गैर मुल्की साजिश के खिलाफ हमारी जद्दोजहद का आगाज़ हो रहा है और हमेशा आवाम ही मुल्क की खुदमुख्तारी और जमहूरियत का दिफा करते हैं। पीटीआई के शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी पर आए तमाम एतराज़ात मुस्तरद। इस्लामाबाद तहरीक इंसाफ के शहबाज शरीफ पर उठाए गए एतराज़ात मुस्तरद हो गए और शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनने के लिए जमा कराए गए कागजात नामजदगी मंजूर हो गए। ज़राए के मुताबिक नए कायदे अवान के लिए शहबाज शरीफ और शाह महमूद कुरैशी ने कागजात नामजदगी जमा कराए। तहरीक इंसाफ ने शहबाज शरीफ पर एतराज़ात आयद कर दिए। पीटीआई की जानिब से बाबर अवान ने एतराज़ किया कि शहबाज शरीफ पर मुकदमात दर्ज हैं। आर्टिकल 233 कागजात नामजदगी को मंजूर करने या मुस्तरद करने का तीन जगह पर इख्तियार देता है। शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाएं, ताहम सेक्रेटरी कौमी असम्बली ने एतराज़ात मुस्तरद करते हुए शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए।